नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पूरे प्रदेश में आज धूमधाम से मनाई जा रही है। आपको बता दें, जगह जगह श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल के वर्तमान सांसद अजय भट्ट ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान अजय भट्ट ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक बताते हुए कहा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त इन बुराइयों को मिटाने में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने कहा, ये हम सब का सौभाग्य है कि वो हमारे राज्य में जन्मे थे। पूरा देश पंडित जी को याद कर रहा है। उनके कृतित्व व्यक्तित्व ने एक विशेष छाप छोड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में तो हैं, उस आंदोलन को उन्होंने धार दी और ZALR एक्ट उन्हीं के नेतृत्व में पास हुआ है और एक से एक आंदोलन जो चलते रहे उन सब पर वो आगे रहे हैं। उन्होंने विधिवत कांग्रेस ज्वाइन करी, भारत छोड़ो आंदोलन के पेपर पर दस्तखत करने पर उनको जेल हो गई। लगातार वो आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को नई दिशा दी, युवकों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से अगर कोई अनैतिक काम करता है, अंग्रेज़ों ने कोई नैतिक काम तो किया नहीं, उनका काम तो गलत ही था, और जो गलत काम करते हैं उसका कैसे प्रतिकार करना चाहिए शांतिपूर्वक तरीके से, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उनके व्यक्तित्व कृतित्व चरित्र के आधार पर ही उनको भारत रत्न दिया गया। वो चौथे हमारे गृह मंत्री आप सब जानते हैं रहे, और पहले उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था उस समय उसके वो मुख्यमंत्री रहे। हमारे लिए गौरव की बात है और स्वतंत्रता के बाद भी वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनका चरित्र व्यक्तित्व कृतित्व हम सब के लिए अनुकरणीय है। हमको उनसे सीखने की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और सीखना भी चाहिए। आज देश जिस तरह से उन्हें नमन कर रहा है, हम सब उनको आज नमन करते हैं। देश को आज़ादी करने के लिए भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल में अंग्रेजों से लोहा लेकर देश को आज़ादी की अहम भूमिका निभाई। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप से, संयुक्त प्रधानमंत्री के रूप से कहने वाले और उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्हें पूरे भारतवर्ष में आज और उत्तराखंड में बड़े धूमधाम के साथ में पंत जी की जयंती मनाई जा रही है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही उनकी जयंती में हम लोग सब लोग संकल्प लेते हैं कि पहाड़ को और सशक्त बनाएंगे। और जिस तरह विराट व्यक्तित्व उनका था, पहाड़ की तरह कठोर चट्टान की तरह थे वो, उनके हमेशा अपने मूल्य अडिग रहे, तो वो सबको प्रेरित करते हैं। हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और साथ ही इस पहाड़ के सतत विकास के लिए दलित राजनीति से ऊपर उठकर काम करना। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।